बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं लोड इंडस्ट्री चैनल और आपका उसमें लग रही है। दोस्तों, आज आपके लिए जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये पुरानी गाड़ी तो है तो पुरानी, लेकिन ये भाई चला रहे हैं तो इन्होंने लोडिंग भी की हुई है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो नई गाड़ी अपने शोरूम से ही दिखा दूँ सबको, ठीक है। लेकिन ये मकसद है कि अब ये भाई गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, लोडिंग इन्होंने कर ली हुई है। इसकी वीडियो दिखाते हैं आपको, चीज़ें दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, इनसे पूछते हैं, सारा कुछ पूछते हैं। ये आए, वीडियो शुरू करते हैं। जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, पंजाबी बोलनी है, उर्दू बोलनी है? उर्दू ये बोलना है जड़ी है कि बोलने है। अच्छा, चलो ठीक हो जी। दोस्तों, ये मेरे भाई हैं जो लोडिंग रिक्शा चलाते हैं। पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं कितनी इन्होंने लोडिंग की हुई है। ये पीछे ये लोडिंग दिखाएं इनको। ये तोरा कितने किलो का है? ये 45 किलो का तोरा। 45 किलो का? हाँ जी, एक ये 45 किलो का। कितना वजन डाला हुआ आपने? 50 मन वजन पूरा डाला हुआ है? हाँ, कम एक दो इंच कम या और? नहीं, वजन पूरा 2 टन। पूरा 2 टन? हाँ जी, ठीक हो गया। वकास भाई, ये किस चीज़ के तोरे हैं पहले ये बताएं? ये सूढ़ी मसरा के। चलो, वो तो पता है। अच्छा वकास भाई, ये मुझे बताएं कब से ही आप इतना वजन डाल रहे हैं? ये जल्दी नहीं थी उदू ने डाल रहे। कितनी देर पहले गाड़ी ली थी आपने? 7 महीने पहले ली। यार थोड़ा सा आपने लगता है खाना नहीं खाया अभी, थोड़ा सोची बोले मेरे व्यूअर को आवाज आनी चाहिए। 7 महीने? 7 महीने पहले आपने गाड़ी ली थी? 7 महीने पहले तो लॉकडाउन बनता था। हाँ जी, लॉकडाउन जी नहीं है जी। अच्छा जी, लॉकडाउन और लोडिंग का कितना कम रुका है जी? ठीक हो गया, आपने लॉकडाउन में गाड़ी ली थी। तो वकास भाई, मुझे ये बताएं कि एक होती है रूटीन होती है रेगुलर काम, जो रेगुलर, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो वो रेगुलर बात है। मुझे ये बताएं रेगुलर इसमें इनकम कितनी है? मेरा मतलब कमाई। हाँ जी, कम के हिसाब न ही है, कम निकल रहे हैं तो 3-4 हज़ार की, 5 हज़ार की बंदा दिहाड़ी ला लें, वो तो अपनी हिम्मत के हिसाब न, अपनी हिम्मत के हिसाब न दिहाड़ी लानी है ना। नहीं, मैं तो विकास भाई असल मैं पूछ थोड़े को लह रहा कि तुसी अपना रेगुलर, एक तो वो कितू तुसी कह रहे हो ना कम बहुत ठीक हो किस तरह सारे का कम ठीक होंगे तो वे दिन पैसे भी बंदा ज़्यादा कमा लें। अगर ये काम आपका दरमियान यानी कि रेगुलर हो, यानी कि ना इतना तेज़ हो ना इतना डाउन हो, उन दिनों की बात कर रहा हूँ। 3 हज़ार बन जाता है, यानी कि 3 हज़ार रुपया रेगुलर इनकम है आपकी। अच्छा, उस 3 हज़ार रुपये के लिए कितना पेट्रोल कंज्यूम करते हैं आप? कितना पेट्रोल खर्च करते हो? 300-400 का हो जाता। 300-400 का तेल तुम कंज्यूम कर देंगे हो जी? ठीक हो गया विकास भाई। ए इंजन ऑयल किन्ने सीसी है पहले मैंने यह दस्यो? 200 सीसी। ये 200 सीसी का रही है। और इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा वजन कितना डाला है? 50 मन 52 मन 53-55 मन वजन तक डाला है। यानी 55 मन से ज़्यादा नहीं डालते आप? ज़्यादा नहीं डालते। 55 मन में आप कहते हैं गाड़ी भी बच जाए? हाँ, और गाड़ी को इनकम भी आती रहे। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक हो गया। हाँ जी कल भाई, ये 7 महीनों में पहले ये मुझे बताया कंपनी किसकी है? ये मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये कौन सी कंपनी का? सीवा कंपनी। ये सीवा? सीवा। ये कैमरामैन को कहता हूँ ये दिखाया, आ गई ये सीवा कंपनी वालों का 200 सीसी लोडर है जी। ठीक है, तो ये छत पीछे से लगी आई थी क्या आपने? लगवाई थी? नहीं, पीछे से लगी है। ये पीछे से छत लगी हुई थी, तो ये क्या चीज़ है? ये सीट। ये सीट यानी कि जब खाली हो तो सीट भी बन जाती है? हाँ जी, हाँ जी जी, ज़बरदस्त हो गया। तो ये मैं देख रहा हूँ इसका फ्रेम डबल है, ये दिखाइएगा फ्रेम, इसका फ्रेम डबल है। ये सब कंपनियों का कि सिर्फ सीवा का है? सीवा का, सिर्फ सीवा का, और किसी कंपनी का ये फ्रेम डबल नहीं आ रहा? डबल नहीं आ रहा। ये ज़बरदस्त, इसके शाखों की ये शाख इसके दूसरी कंपनी है जितने का थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं? नया ज़्यादा मोटे हैं। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है ये 60 नंबर के। दोस्तों, ये 60 नंबर के शाख हैं, सब कंपनियाँ 200 सीसी को भी 50 नंबर के शाख लगाती हैं। इसका इन्होंने व्यू ही बहुत अच्छा बना दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। ये गाड़ी का प्रोडक्शन ATC स्टपनी वगैरह भी इसके साथ होती है? हाँ जी जी जी, ठीक हो गया। वकास भाई, ये 7-8 महीनों में आपको कोई मसला जो आप अपने दोस्तों से सिंसियर हो के बताना चाहिए, यानी ईमानदारी ना दसना चाहो, दसो? भाजी अही दे तू तेल तो अलावा हो रहा हाले तक कोई शह नहीं कराई जी। माशाल्लाह, अल्लाह तुहानू इंजी रखे।
जी मेरे दोस्तों, ये मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इनका आज तक तेल ही तब्दील किया है, उसके अलावा इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं कराया, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, चूना वायदा कराई है तो तेल बदली कराया जी। ठीक हो गया, तो और कोई मशवरा आपके जहन में आता हो देखने वालों को? ठीक है, कोई और चीज़ मुझे बताएं। अं तो भरावान अपने कहते यही गल कि सिवा की कंपनी लैन तो सोहना मजदूरी अपनी करन। हाँ, तो मैंने एक चीज़ और सुनी है कि ये सिवा थोड़ा सा महंगा भी है। हाँ जी, सिवा का महंगा तो है, मगर दूसरिया गड्डिया गड्डी पावर है ना। हाँ ये तो है, यानी कि दूसरी कंपनियां पैसे लगवाती होंगी। हाँ जी, वो जरा जल्दी काम काट छ जी। ठीक हो गया, चलाई सही आ रही जी, ज़बरदस्त। तो आप अपना विकास भाई और कुछ बताना चाहें, कोई और किसी को मशवरा होता है, कोई चीज़ें होती हैं कि यार ऐसे गाड़ी चलाने का तरीका, चलें आप 7-8 महीने पुराने हैं, कोई भी मेरी वीडियो देखने वाला कोई नया बंदा हो उसे कोई मशवरा दे दें गाड़ी कैसे चलाएं? गाड़ी अपना मेरा मतलब ध्यान ना चलानी चाहिए, जोर भैड़ी जगह तो लाओ तो गाड़ी तंग होगी, तो गाड़ी का जोर उधर कम लवाओ तो गाड़ी सौखी रहेगी। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जोर गलत जगह लगवाएंगे तो मसला आएगा, अगर सही जगह लगवाएंगे तो मसला नहीं आएगा। मसला नहीं आएगा जी। कोई क्लच पकड़ के ब्रेक पे पैर रख के, कोई ऐसा ब्रेक पे पैर तो नहीं रख के चलाना चाहिए? नहीं नहीं, और क्लच पकड़ के, क्लच जब डके जंप आ जाए तो क्लच फाड़ के यकदम नहीं छोड़ देना चाहिए, स्लो स्लो छोड़ना चाहिए जी। ज़बरदस्त हो गया, और कोई साड़ी खिदमत साड़े लाइक हम खिदमत ही खिदमत जी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, विकास भाई के कारोबार के लिए रिक्वेस्ट करें, अल्लाह से दुआ करें कि इनके कारोबार में बरकत डाले और इस तरह ही एक कारोबार करते रहें। और मेरे चैनल के पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में कोई चीज़ मिस कर दी हो तो मैं सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में उसे कवर कर लूँगा।